Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, as you can see on the screen students, aaj jo hum illustration discuss karne wale hain wo hai illustration number 6, 11th commerce bookkeeping and accountancy chapter number 3 journal, theek hai? Previous videos mein humne sare illustration discuss kiye hue hain students. Is video mein bhi hum illustration hi discuss karenge aur jo bhi naye transactions aate hain unko detail mein understand karne ki koshish डेफिनेटली करेंगे, ठीक है. सो बिफोर गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, न्यू पीपल टू माई चैनल, काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, सो द वीडियो विल बी वेरी यूजफुल टू यू ऑल, ठीक है. चलिए इसी अच्छे थॉट के साथ शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ राजवाड़ी ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है. 2019 दिया है, मई का महीना है. सो फर्स्ट मई, लेट्स सी व्हाट इज द ट्रांजेक्शन. Started business with cash 1 lakh, bank balance 2 lakhs and building 2 lakhs. तो यहाँ पे very simple combined entry दिया गया है जो हम by default करते हुए आ रहे. In previous videos हमने क्या देखा था कि हमने पैसे loan के तौर पर किसी से लिया है तो वो भी हमने credit किया था, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं. तो चलिए फिर transaction pass करते. वैसे भी transaction होगा cash account debit, bank balance account debit, building account debit to कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और रिस्पेक्टिव अमाउंट्स. चलिए फॉर्मेट की तरफ ही चलते हैं और वहां पर हम देखते हैं. दिस इज द फॉर्मेट स्टूडेंट्स, जर्नल ऑफ राजवाड़ी ट्रेडिंग कंपनी. ऐसे आपको लिखना है, फॉर्मेट ड्रॉ करना है, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज और क्रेडिट अमाउंट रुपीज, ठीक है. तो जैसे मैंने आपको कहा था, आपको 2019 लिखना है पहले. मई फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट हो गया है 1 लाख रुपीज, बैंक अकाउंट भी डेबिट है बिकॉज आप ये बिजनेस में ला रहे हैं ना, और इसके ऊपर हमने बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस ऑलरेडी किए हुए हैं. बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीस, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीस टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, दैट इज टोटल कितना होता है 5 लाख, ठीक है. नरेशन लिखना नहीं भूलना है. सो बींग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बैंक बैलेंस एंड बिल्डिंग. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू द और पास द एंट्री, ठीक है. तो ये फर्स्ट वन हमारा हो चुका है. ओके, सो लेट्स क्विकली गो टू द सेकेंड वन. सेकेंड ट्रांजेक्शन जो है हमारा वो है परचेज गुड्स फ्रॉम राम. तो ये क्या है, नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन, क्रेडिट एंट्री है, नाम दिया गया है. परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 है एट 18% जीएसटी है. तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स क्या परचेज हो रहा है, गुड्स है, कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे. लेकिन यहाँ पे जीएसटी अप्लाई हुआ है स्टूडेंट्स 18%, तो हमें क्या करना है, हाफ करना है, 50% सेंट्रल जीएसटी लगाना है और 50% स्टेट जीएसटी लगाना है. तो मतलब 9.9% हमको कैलकुलेट करना है. एंट्री बहुत सिंपल सा होगा, क्या करना है, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स आप परचेज कर रहे हो ना, तो उसके ऊपर आपका इनपुट जीएसटी लगने वाला है ना, टैक्स लगने वाला है जीएसटी. सो इनपुट सेंट्रल जीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इनपुट सेल्स जीएसटी डेबिट हो जाएगा टू राम्स अकाउंट क्रेडिट. राम इज द गिवर ना, आपने गुड्स किससे परचेज किया है. वेरी सिंपल एंट्री. चलिए फॉर्मेट की तरफ चलते हैं और वहां पर देखते हैं हम कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे. देखो, तो यू हैव परचेजिंग द गुड्स, सो परचेजेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 50,000. इनपुट जीएसटी आ जाएगा, मैंने आपको बताया था डेबिट है ना. एज आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे आपको जीएसटी कैलकुलेशन करना है, सो इट इज 18%. सो 9% आपका सेंट्रल जीएसटी आपको कैलकुलेट करना है 50,000 के ऊपर, विच विल गिव यू 4,500, एंड 9% योर स्टेट जीएसटी, अगेन इट विल बी 4,500. तो आपका एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट जीएसटी दैट इज सेंट्रल जीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500, इनपुट स्टेट जीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500 टू राम्स अकाउंट क्रेडिट, दैट इज टोटल होगा इसका 59,000. नरेशन वेरी सिंपल, बींग परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश एट द रेट 18% जीएसटी, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द सेकेंड ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स. आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू. हमने इस ऐसे वाले यू नो ऑलरेडी ट्रांजेक्शन सॉल्व किए हैं इन द प्रीवियस वीडियोज, यू कैन चेक इन द प्ले लिस्ट ऑल्सो. लेट्स गो टू द थर्ड एंट्री क्विकली, which is the third entry. Sold goods to Rakesh at the rate 70,000 rupees at 18% GST for cash. ठीक है, तो यहाँ पर सेल्स हैव टेकन प्लेस ऑब्वियसली,
तो आपने कैश से गुड्स को सेल किया है, तो ऑब्वियसली व्हाट इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन. व्हाट आर यू डूइंग, सेलिंग द गुड्स. सो व्हेन यू आर सेलिंग द गुड्स, ऑब्वियसली गुड्स आर गोइंग आउट, सो टू सेल्स अकाउंट होगा. अलॉन्ग विद सेल्स आपका जीएसटी लगेगा, सेंट्रल जीएसटी भी लगेगा और स्टेट जीएसटी भी लगेगा. कितना लगेगा, ऑब्वियसली 18% है तो 9% सेंट्रल जीएसटी और 9% स्टेट जीएसटी होगा. सो एंट्री बहुत सिंपल होगी, कैश अकाउंट डेबिट. वाई, बिकॉज यू आर सेलिंग गुड्स टू राकेश फॉर कैश. तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट टू आउटपुट सेंट्रल जीएसटी अकाउंट क्रेडिट टू आउटपुट स्टेट जीएसटी अकाउंट क्रेडिट होगा. चलिए वो हम फॉर्मेट में देखते हैं क्विकली. फिफ्थ वन, यस, कैश अकाउंट डेबिट 82,500 है यहाँ पे. इसका टोटल सेल्स के ऊपर जीएसटी निकालने के बाद किया गया है स्टूडेंट्स. सो कैश अकाउंट डेबिट हम जब लिखते हैं, पहले तो टू सेल्स अकाउंट हाउ मच, 70,000 है. 70,000 के ऊपर आपको 9% जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी करना है, दैट विल गिव यू 6,300. 9% हाफ ना, 9% स्टेट जीएसटी, दैट इज 6,300. तो इन तीनों का अगर हम टोटल करेंगे, यू विल गेट 82,600, एज सिंपल एज दैट. ओके, इन तीनों का टोटल ही हमें डेबिट में लिखना है. सो नरेशन नहीं भूलना है स्टूडेंट्स. बींग सोल्ड गुड्स टू राकेश फॉर कैश एट द रेट 18% जीएसटी. ओके, सो दिस इज अबाउट द थर्ड ट्रांजेक्शन. लेट्स क्विकली गो टू द नेक्स्ट. फोर्थ वाला जो एंट्री है, पेड फॉर रिपेयर्स, इट्स अ वेरी सिंपल वन. आपने रिपेयर्स के लिए पे किया है तो ऑब्वियसली रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू, हाथ से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट. हाउ मच, 5,000 रुपीज. लेट्स सी इन द फॉर्मेट इट सेल्फ. रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000 बींग पेड फॉर रिपेयर्स. सो दिस एंट्री इज वेरी सिंपल. लेट्स गो टू द फिफ्थ एंट्री. वेजेस के रिलेटेड है, क्या है फिफ्थ एंट्री. ओके, प्लेस्ड एन ऑर्डर, प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ रणवीर एंड सन्स फॉर गुड्स ₹60,000 एट 12% जीएसटी. सी स्टूडेंट्स, क्या हुआ है यहाँ पे, 10th मे का एंट्री ठीक से पढ़ लो एक बारी. प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ रणवीर एंड सन्स फॉर गुड्स, ठीक है. तो यहां पर ऑर्डर क्या हुआ है, प्लेस हुआ है. सो ट्रांजेक्शन डेटेड 10th मे इज हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड नॉट अ ट्रांजेक्शन, हैंस नो जर्नल एंट्री विल बी अलाउड. और ये नोट्स में नीचे दिया भी गया है, यहां पर आपने सिर्फ प्लेस किया है ऑर्डर, ट्रांजेक्शन प्लेस नहीं हुआ है, इजंट इट. मतलब एक्चुअल में नहीं हुआ है, इट इज जस्ट यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर विद दिस पीपल विद ऑल द डिटेल्स, बट यू हैव नॉट डन द ट्रांजेक्शन. इसीलिए 10th का एंट्री बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट एंट्री चिल्ड्रन, विच इज द नेक्स्ट. पेड फॉर वेजेस, ऑब्वियसली आपने वेजेस पे किया है तो वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट. आप पे कर रहे हो ना, कैश जा रहा है, तो क्या एंट्री होगी 15th मे की. लेट्स सी, वेजेस अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 15,000 बींग पेड फॉर वेजेस, ठीक है. So this entry is also a simple entry. Let's go to the next entry. Next journal entry जो है वो है purchase goods from Mohan of ₹10,000 at 12% जीएसटी. तो आप purchase कर रहे हो, obvious है, remember purchase goods from Ram हमने जो किया था ये similar वाला ही है students. So you are purchasing goods from Mohan, isn't it? तो Mohan से ले रहे हो तो credit transaction है, isn't it? तो यहां पर आपको क्या करना है, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा. अलॉन्ग विथ परचेजेस आप क्या कर रहे हो, आपका इनपुट जीएसटी लग रहा है, यस और नो. 12% का जीएसटी लग रहा है, मतलब 6% सेंट्रल जीएसटी लगेगा और 6% स्टेट जीएसटी लगेगा. एंट्री बहुत सिंपल होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट सेंट्रल जीएसटी अकाउंट डेबिट, दैट इज 10,000 के ऊपर, आई मीन टू से दिस इज 1 लाख, ओके, 1 लाख के ऊपर आपका 6% लगेगा, दैट इज 6,000. सो इनपुट स्टेट जीएसटी अकाउंट डेबिट अगेन 6,000 टू किससे लिया है, मोहन अकाउंट. विल सी इट इन द ट्रांजेक्शन. 18th का ट्रांजेक्शन है, परचेजेस अकाउंट डेबिट एज आई हैव टोल्ड यू हाउ मच, 1 लाख है. इनपुट सेंट्रल जीएसटी लगा है आपको 6%, 6,000 है. इनपुट सेल्स जीएसटी आपको डेबिट करना है 6,000, अगेन 6% ऑफ 1 लाख. टू किससे लिया है, मोहन
टू मोहन्स अकाउंट क्रेडिट, इस सब का टोटल होगा दैट इज 1,12,000. नरेशन बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट एट 12% जीएसटी. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट. ओके, तो ये समवॉट सिमिलर ट्रांजेक्शन हमने डिस्कस करा है स्टूडेंट्स. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, विच इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नाउ. पेड फॉर कन्वेंस एक्सपेंस. अभी ये बहुत सारे पेड वाले आ रहे हैं, पेड फॉर रिपेयर्स आ गया, पेड फॉर वेजेस आ गया, पेड फॉर कन्वेंस आ रहा है. तो कन्वेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. आई शो इट टू यू अगेन. इट्स अ वेरी सिंपल वन. कन्वेंस अकाउंट डेबिट 7,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 7,000 बींग पेड फॉर कन्वेंस. एज सिंपल एज दैट. ओके, सो लेट्स क्विकली गो टू द सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स. लेट्स सी वॉट इज इट. नो, थर्ड लास्ट आई गेस. या परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर, ओके, ऑफ 50,000 एट 28% जीएसटी एंड पेड द अमाउंट बाय चेक. तो देखो यहाँ पे यू आर पेइंग द अमाउंट बाय वॉट, चेक, मतलब बैंक इन्वॉल्व हो चुका है. तो परचेज क्या कर रहे हो आप, गुड्स कर रहे हो, किससे, किशोर से. ओके, और अमाउंट जो पे हुआ है वो चेक से पे हुआ है. किसको, किशोर को. येस और नो, हमें टू से सॉरी, यू हैव परचेज फ्रॉम किशोर. तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा. अलॉन्ग विद दैट आपका 28% जीएसटी लग रहा है. सो 14% सेंट्रल जीएसटी लगेगा इनपुट में और 14% स्टेट जीएसटी. ओके, सो यू आर परचेजिंग फ्रॉम होम, किशोर, येस और नो. तो यहाँ पर टू किशोर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. और आपने कैसे पे किया है, चेक से पे किया है. ओके, सो आपको क्या करना है, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करना है. और यहाँ पर क्या लिखा गया है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम किशोर 50,000, ओके, एट द रेट 28% जीएसटी एंड पेड द अमाउंट बाय चेक. सो दिस एंट्री विल बी वेरी वेरी सिंपल. यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका 50,000 का. इनपुट जीएसटी आपको कैलकुलेट करना है 50,000 के ऊपर 14%. हाउ मच इट विल कम, 7,000, और स्टेट जीएसटी भी 7,000. ओके, सो टू किशोर्स अकाउंट यहाँ पे टोटल हमारा होता है 50,000 प्लस 7,000 57 प्लस टू प्लस 7,000 इट विल बी 64,000. ठीक है, अब 64,000 यहाँ पर दिया गया है. इन द नेक्स्ट एंट्री यू कैन सी परचेज्ड मशीनरी ऑफ रुपीज 50,000 एंड हाफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक. यहाँ पर भी ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, बट यू कैन सी एज पर द टेक्स्ट बुक ना, दे हैव कंसिडर्ड दैट हाफ द अमाउंट इज पेड बाय चेक इन दिस ट्रांजेक्शन एज वेल. ठीक है, इस ट्रांजेक्शन में अगर हम 32,000 किशोर को दिखा रहे हैं, पे किया गया है बाय चेक एंड ऑल, तो इसका मतलब ये एक 32,000 हाफ द अमाउंट हो गया ना इसका टोटल. आई शो यू इन द फॉर्मेट चिल्ड्रन. पहले तो ये समझ लो, इन दिस ट्रांजेक्शन दे हैव ऑल्सो अंडरस्टूड कि यहाँ पे जो परचेज हुआ है और जो पे किया गया है वो हाफ द अमाउंट कंसिडर किया गया है इस ट्रांजेक्शन में भी एज पर द नरेशन. आई शो यू इन द फॉर्मेट. सी, तो आपने क्या किया है, यू हैव परचेज फ्रॉम किशोर, हाउ मच, 50,000. फिर आपका जो जीएसटी लगा है टोटल कितना अमाउंट का है, 28% है, तो हाउ मच, 14% ईच लगेगा ना, येस और नो. तो यू हैव टू कैलकुलेट. आई शो यू हाउ मच परसेंटेज वंस अगेन, कितना जीएसटी हमको कैलकुलेट करना है. सॉरी, 28%. ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर 50,000 एट 28% जीएसटी एंड पेड द अमाउंट बाय चेक. ये इतना ही दिया है, लेकिन यहाँ पे पेड बाय चेक जो है वो हाफ द अमाउंट ही कंसिडर हुआ है एज पर द फॉर्मेट यहाँ जो दिया गया है. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, परचेजेस अकाउंट डेबिट किया है 50,000, देन इनपुट सेंट्रल जीएसटी कैलकुलेट किया है 50-50%. वहाँ पर कितना था, 28 था, तो 14% सेंट्रल जीएसटी और 14% स्टेट जीएसटी. तो जब हम कैलकुलेट करते तो हमको 7,000 मिलेगा. नाउ टू किशोर्स अकाउंट कितना होगा, 32,000. इन सब का अगर ऐड करोगे तो इट इज 64,000 चिल्ड्रन. 64,000 का इट इज कंसिडर्ड दैट किशोर के अकाउंट को 32,000 क्रेडिट हुआ है
ओके, लेकिन बैलेंस जो है वो बैंक के थ्रू पे किया गया है, हाफ द अमाउंट ही कंसिडर हुआ है, काइंडली अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज सी द नरेशन, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर ऑन क्रेडिट एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक. देखो हाफ अमाउंट ये एंट्री में नहीं था, बट फिर भी इट इज कंसिडर्ड, सो यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज, सो आई एम जस्ट इलेबोरेटिंग. ठीक है, तो डोंट गेट पैनिक, बिकॉज ये आपको क्लैरिटी मिल जाएगी जब आपको क्वेश्चन पूछेंगे. फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग. सो यहाँ पे हाफ द अमाउंट इज पेड बाय चेक, तो किशोर्स अकाउंट इज द गिवर ना, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट 32,000 हो गया और हाफ अमाउंट बाय, आई एम टू से टू बैंक. सो दिस इज हाउ दिस एंट्री इज पास्ट. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट एंट्री क्विकली. परचेज्ड मशीनरी ऑफ रुपीज 50,000 एट 18% GST एंड हाफ द अमाउंट पेड इमीजिएटली बाई चेक. तो यहाँ पर भी हाफ द अमाउंट का ही जिक्र हुआ है, तो एंट्री क्या है, क्या परचेज कर रहे हो आप, मशीनरी. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आपका GST लगेगा 18% का, सेंट्रल GST 9 होगा, स्टेट GST 9 होगा, 50-50%, और हाफ द अमाउंट इज पेड बाय बैंक बोल रहे तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. दिस इज वेरी सिंपल. चलिए फॉर्मेट की तरफ हम देखते हैं ये. ओके, व्हाट यू हैव परचेज मशीनरी, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया है 50,000. इनपुट CS सेंट्रल GST आपको कैलकुलेट करना है, टोटल 18 है तो 9% सेंट्रल GST और 9% स्टेट GST जब कैलकुलेट करते हो तो 4,500 आता है. इन तीनों को ऐड करो, आपको मिल जाएगा टू बैंक. वाई? बिकॉज इट इज पेड बाय चेक. सो टोटल है 59,000. नरेशन, बींग परचेज मशीनरी फॉर कैश एट द रेट 18% GST. ठीक है, बिकॉज यहां पे आपको बहुत क्लियरली बोला है कि दैट द अमाउंट पेड इमीजिएटली बाय चेक, हाफ द अमाउंट. ठीक है, तो यहां पे ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी दैट इफ यू कैन सी ऑन स्क्रीन नाउ, परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर रुपीज 50,000 एट द रेट 28% GST एंड पेड द अमाउंट बाय चेक जो है, इसका जो पेड बाय अमाउंट बाय चेक, इट इज हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक है, यहाँ आना चाहिए वो. ओके, क्योंकि यहाँ हमने 25 मई का जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे हमने हाफ द अमाउंट हमने चेक से पे किया है, और 30 मई का जो ट्रांजेक्शन है यहाँ हाफ द अमाउंट पेड इमीजिएटली नहीं आना चाहिए. यू कैन जस्ट राइट द अमाउंट इज पेड बाय चेक, क्योंकि यहाँ पर हमने हाफ अमाउंट पे नहीं किया है. आई विल शो यू हियर, थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ लो. ओके, लिटिल बिट ऑफ करेक्शन ऑल्सो यू कैन एज्यूम. एक देख लीजिए, यहाँ पे हमने इस ट्रांजेक्शन में, 1 मिनट, ओके, इस ट्रांजेक्शन में हमने हाफ द अमाउंट पेड इमीजिएटली किया है और यहां पर उन्होंने उस क्वेश्चन में नहीं दिखाया है, सो इट हैज जस्ट बिकम इंटरचेंज हो चुका है. तो इस एंट्री का जो हाफ द अमाउंट है वो इसमें आना चाहिए और इसका पेड बाय चेक यहाँ आना चाहिए. ओके, दैट्स द ओनली लिटिल बिट चेंज, बिकॉज यहाँ हमने हाफ द अमाउंट पे नहीं किया है स्टूडेंट. इट इज लिटरली परचेज्ड मशीनरी एंड पेड द अमाउंट बाय चेक. ठीक है, तो ये इनपुट GST लगा है, कैलकुलेट हमने किया है, सो टू यहाँ बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टोटल अमाउंट. ठीक है, सो बींग परचेज मशीनरी फॉर कैश एट द रेट 18% GST. तो ये थोड़ा सा समझ लेना आप, एंड डोंट गेट कन्फ्यूज. जस्ट हाफ द अमाउंट यहाँ लागू होता है जो इनको दिया है, और यहाँ पर पेड बाय चेक है, हाफ अमाउंट नहीं लागू होता है. ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल. आई शो यू अगेन. सी, परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर 50,000 एट 28% GST एंड पेड द अमाउंट बाय चेक, ये इतना नहीं है, पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक आना चाहिए इस ट्रांजेक्शन में, और यहाँ जहाँ हाफ द अमाउंट पेड इमीजिएटली, यहाँ पर पेड द अमाउंट बाय चेक होना चाहिए एज पर द फॉर्मेट वॉट वी कैन सी. ठीक है, लेट्स गो टू द लास्ट एंट्री. विड्रू फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर पर्सनल यूज. तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपने विड्रू किया है, बैंक से विड्रू किया है फॉर पर्सनल यूज. एंट्री क्या होगा, डेफिनेटली ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने बैंक से विड्रॉ किया है. सो एंट्री मैं दिखा देती हूँ आपको, वहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है. लेट्स गो टू द लास्ट एंट्री, 1 मिनट. यस, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 10,000, बिंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों टैली करना है. ठीक है, एंड दिस इज द नोट फॉर दैट ट्रांजेक्शन विच हैज नॉट बीन ट्रांजेक्टेड. सो दिस इज इट चिल्ड्रन, इलस्ट्रेशन नंबर 6. जस्ट अंडरस्टैंड इट एंड जस्ट बी कूल. इट्स वेरी सिंपल, जस्ट प्रैक्टिस इट, यू विल गेट इट डन.
ठीक है. सो दैट्स इट चिल्ड्रन इन दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो विल कम विथ मोर एक्सरसाइजेस, मोर प्रॉब्लम्स एंड इलस्ट्रेशंस. टिल देन टेक केयर. थैंक यू सो मच.